हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वन से टेन तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक अक्सर सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सरसाइज सीखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जहां भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग वन वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप वन से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा, कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9। ये टोटल 10 एक्सरसाइज हैं जो हम 8 पहले प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुके हैं। अभी जो एक्सरसाइज 9 है इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है। ये हमारी हेडिंग है, जैसे आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, इस तरीके से। इनमें से हम जो लास्ट के 3 कॉलम्स फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले के थ्रू, और जो बाकी है इस क्वेश्चंस है ये 10, इनको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन मार्क, ये सब आप निकालिए। क्वेश्चन वाले जितने भी आंसर है ये सारे आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फिर है नेम द सेकेंड टेबल K4 और L9 विद नेम रेट। अभी हमारा चेक करते हैं, इसमें हमारा एक और टेबल है, मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये राइट साइड में आपका टेबल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो हम नाम ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है KKT करके, तो इसमें जो हमें नाम मेंशन करना है ये करना है रेट नाम से, ठीक है। तो किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके आप यहाँ कर्सर रख के उस पर टाइप करते हैं तो वो आपका नाम शो कर देता। अभी ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते इस तरीके से। चेंज करने का प्रोसेस दूसरा है, उसके लिए हम जाते हैं अपना इसमें डेटा में, ये हमारा शो करेगा, हाँ ये हमारा फॉर्मूलाज में जाएंगे। यहाँ पर मैनेज द नेम होता है, मैं आपको चेक करा देती हूँ जूम इन करके। ये देखिए फॉर्मूलाज में ये मैनेज द नेम, ठीक है। ये जो हमें नेम मैनेज पे जैसे क्लिक करेंगे और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl F3, तो यहाँ पे जितने भी हमने यूज़ किए, जैसे KKT है, ये ऑलरेडी नाम हमारा वहाँ पे पहले बना हुआ है, प्रीवियस जो हमने इस फाइल को यूज़ किया हुआ है, हम इसका नाम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और ये एडिट ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एडिट में जो KKT है इसको हम नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं रेंज, ठीक है। जैसे ही इसको ओके किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये रेंज किसी और चीज़ में यूज़ हो रखी है इसलिए वो नहीं बनेगा, तो हम इसको Range 2 कर देते हैं, ओके। ये देखिए Range 2, रेंज ऑलरेडी बनी हुई है किसी और वर्कशीट के अंदर। क्लोज करते हैं, अभी इसको वापस हम देखते हैं। जब हम इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो इस साइड ये आपका रेंज, इसमें पहले से शायद ये इसी को ही मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर हम Range 2 अगर चेक करें इज इक्वल टू रेंज टू, इसके दो नाम मेंशन हो रहे, एक रेंज है और एक Range 2 है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक जो आपकी रेंज है ये वाली, हमने इसमें रेंज भी यूज़ किया है, और Range 2 चेक करने के लिए आप इज़ इक्वल टू उस रेंज का नाम दे दीजिए। ये देखिए रेंज, तो इसमें भी यही सिलेक्शन दे रहा है और Range 2 में भी यही सिलेक्शन दे रहा है,
ठीक है, तो आप चाहते हैं कन्फ्यूज़न ना हो तो वापस फॉर्मूला में जाइए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्रीवियस शीट है तो इसमें ऑलरेडी ये जो वर्क हो रखा था इसमें दोनों पे यूज़ है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो सेकंड चाहे तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ओके। और आपका KKT तो रिप्लेस हो ही चुका है जो ऑलरेडी नेम था। अभी हम चेक कर पा रहे हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रेंज सेलेक्ट होगा। अगर मैं रेंज 2 चाहती हूँ सेलेक्ट करना, देखिए आएगा भी नहीं, रेंज 2 आ भी नहीं रहा है, 2 किया तो ब्लू जो ऑप्शन है वो हट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन। अभी जब भी हम इसको यूज़ करेंगे सिंपल रेंज लिखेंगे वो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इसमें देखिए हमने ये शायद यूज़ हो रखा है, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, पहले ही बनी हुई है फाइल। हमें यहाँ से सारे प्राइस इंक्रीजिंग से निकालने हैं। क्वेश्चन थर्ड है प्राइस इंक्रीज निकालना है वी लुकअप के अकॉर्डिंगली, और ये बेस्ड होना चाहिए टाइप पर। ये जो ये वाला कॉलम है और ये कॉलम है दोनों में सिमिलर कॉलम है, ठीक है। अभी जो हमने टेबल का नाम दिया वो हमें हेल्प करेगा वी लुकअप में। वी लुकअप आपको लगाने के लिए सबसे पहले वी लुकअप लिखिए, ठीक है। पूरा टाइप करने से बेस्ट है आप वो लिख के थोड़ा सा माउस से सेलेक्ट करके डाउन एरो करके टैप दबा दीजिए। फर्स्ट अपने ही कॉलम में कौन सा आपका सिमिलर कॉलम है, ठीक है, कोमा। अभी रेंज का नाम क्या था, रेंज, ठीक है। रेंज से वो अपने आप सेलेक्ट करेगा, अगर आप माउस ऐसे करके ड्रैग करेंगे तब भी सिलेक्शन ले लेगा। इस वाले में दिस इज़ के आपका फर्स्ट कॉलम है और एल आपका सेकंड कॉलम है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे बिकॉज हमारा जो सेकंड कॉलम वाला परसेंटेज है हमें यहाँ पर चाहिए, और 0, ठीक है। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो एम के आगे कितना परसेंट है, 25%, तो ये इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसको ड्रैग करते हैं, देखिए आपका आंसर यहाँ से जो जो आपकी वैल्यू ये डेटा को मैच कर रहा है न्यूमेरिक्स के साथ इसको करेक्टर को, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको फैच कर लेता है। नेक्स्ट पर हम जाते हैं सेल प्राइस में, क्या करना है, यूनिट प्राइस, प्राइस इंक्रीजिंग प्लस यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये ऐड भी हो रहा है। तो हम सबसे पहले करेंगे इज इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट था सेल इंक्रीजिंग, यही था ना, प्राइस इंक्रीजिंग सॉरी, एंड प्लस अगेन यूनिट प्राइस। ये देखिए आपका आंसर आ गया, यूनिट प्राइस, प्राइस इंक्रीजिंग और यूनिट प्राइस। नाउ ड्रैग इट, ये देखिए आपका आंसर आएगा। और से नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वारंटी प्राइस ग्रेटर देन 10 यस अदरवाइज नो। अब इसकी जो है वारंटी है या नहीं है चेक करने के लिए जो भी इसके इसमें यूनिट प्राइस आपका ये वाला है इसको चेक करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 10 होगा तो आपका शो करेगा, अदरवाइज नहीं। इसके लिए जो हम इफ़ फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, इफ़ में आपको इसको क्लिक करना है ग्रेटर देन 10, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते, ठीक है। इसमें जब इधर उधर एंटर वगैरह यूज़ हो जाता है तो ये जो है ऑप्शन शो कर देता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस और अदरवाइज नो। अकॉर्डिंग टू दैट ये देखिए आपका शो कर रहा है, ड्रैग इट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला और नीचे के सॉरी ये वाला और नीचे के दो, ये तीन ऑप्शन है जो कि लेस देन 10 है, ओके। अभी इसे नेक्स्ट हमारा है फाइंड द टोटल प्राइस क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस, तो सिंपल है मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी इतनी है और जितना भी आपको टोटल प्राइस आया इनटू सेल प्राइस, इतने में सेल हुआ है वो, तो ये आपका टोटल प्राइस आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और आफ्टर दैट ड्रॉ पाई चार्ट बाय यूजिंग टाइप सेल प्राइस। अच्छा, इसमें इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, हम ये अभी तक नंबर यूज़ करते आए थे कि नंबर्स की इंक्रीमेंट होती है, यहाँ पे करेक्टर भी है F00 जैसे, तो इसको ड्रैग करके देखेंगे तो आपका आंसर देखो इस टाइप से आएगा। स्टार्टिंग का वही रहता है, नंबर्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे 5-5 का इंक्रीमेंट है तो वो 5-5 का शो कर रहा है इसके अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, पाई चार्ट बनाना है, नंबर 7 पाई चार्ट जो होता है आपका राउंड शेप में होता है, ये यूज़ क्या करेगा, टाइप एंड सेल प्राइस टाइप, ये वाला आपका टाइप हो गया, ठीक है, और आपका ये सेल प्राइस हो गया। तो ये किसके बेस पर आपका, या इसके बेस पर भी रख सकते हो, आइटम नंबर के बेस पर रख सकते हैं। तो एक हम डिस्क्रिप्शन यानी किस किस का क्या टाइप है ऐसे यूज़ करके और सेल प्राइस,
ठीक है, इसमें ये मेंशन नहीं है बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका किसको कर रहा है, ये आपको जो जो भी आइटम्स प्रोडक्ट्स वगैरह है उसी का ही आपका पाई चार्ट शो करता है। इंसर्ट किया यहाँ पे, ये पाई चार्ट बाहर ही दिखा रहा है इस टाइप से। ठीक है, आप इसमें अलग अलग फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे क्लिक किया, देखो पाई चार्ट का जो फुल डिस्क्रिप्शन है ना, ये यहाँ एक कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर की सेटिंग में जाती है। वापस बाहर आते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके, ऑल चार्ट्स में गए, ये पाई होता है ये वाला। आप ऐसा इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगता है। यस किया, ये देखिए आपका पाई चार्ट आ गया। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट का ज़्यादा है उसके अंदर वो शो कर रहा है। इसके अंदर हम डेटा लेबल्स करके इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये इसके अंदर की डीपली सेटिंग है, कलर वगैरह चेंज करना है जो भी वर्क करना है ऐसे हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है नीचे की डिटेल्स, स्टाइल वगैरह हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सेट कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसको अभी हम साइड कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई चार्ट के बाद है आपका, फाइंड हाउ मैनी यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 100। यूनिट प्राइस हमारा ये वाला है, हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी मतलब पहले सबको हटाते हैं, मैं सारा नहीं निकालना, फाइंड करना हाउ मैनी, तो हम काउंट करेंगे, यहाँ आएगा इसका आंसर। तो काउंट जो है सिंपली काउंट तो हमारा काउंट कर देगा, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, बट हमें उनको काउंट करना जो ग्रेटर देन 100 है। तो ये दो आंसर आना चाहिए इसका, टू आंसर कैसे आएगा, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट लगाया टैब के साथ, सेलेक्ट द रेंज किस रेंज को चाहिए एंड देन ग्रेटर देन 100, जो 100 से ऊपर वाली है उसको वो शो करेगा। ये देखिए आंसर 2 आ गया। अगर मैं कोई भी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीजिंग में डाल देती हूँ, जैसे मैं इसको 112 कर देती हूँ, तो जो ये आंसर 2 है आपका वो 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे का भी जो डेटा ये भी रिफ्लेक्ट कर जाता है। हम भी अंडू कर देते हैं, आपके प्रीवियस डेटा पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टोटल क्वान्टिटीज विच आर ग्रेटर देन 20। ठीक है, हमें टोटल निकालना है क्वान्टिटीज़ का, क्वांटिटीज़ ये रही हमारी, टोटल करना है और किन का जो कि ग्रेटर देन 20 है। 20 से ग्रेटर देन कौन सी है, ये 25 को पिक करेगा और 22 को पिक करेगा, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे सम इफ। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, जिसमें आप इसके अंदर वो शायद ग्रेटर देन 100 या समथिंग ऐसे करके था, 80 था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं हेल्प के लिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से ये हम अप्लाई करते हैं। सम इफ, काउंट इफ, काउंटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एंटरप्राइज करेंगे 25 और 22 का टोटल यहाँ पे ये शो कर देता है। ठीक है, इसको और इसको पिक कर रहा है, सॉरी इसको इसको और इसको पिक कर रहा है 22 और 25 को। द लास्ट क्वेश्चन इज अप्लाई फिल्टर वेयर टाइप इज इक्वल टू, अभी पूरा हमने डेटा चेक किया, हमें सिर्फ वही डेटा रखना है जिसमें हमारा एम शो कर रही है, 1 2 और 3, ये 3 डेटा चाहिए। बाकी अगर हम नहीं चाहते तो उसको हम या तो हाइड करें, हाइड करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। रेंज को सेलेक्ट करते हैं, इसमें आपका यहाँ पर फिल्टर होता है। ठीक है, कभी कभी है ना हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, ढूंढना पड़ता है, तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ऑल्ट प्लस क्यू। पहले भी मैं बता चुकी हूँ इस शॉर्टकट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के बेस पर आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो, अगर आपको उसका नाम पता है तो। ऑल्ट क्यू किया, कर्सर आपका यहाँ ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगाते हैं, ये देखिए फिल्टर, इंसर्ट फिल्टर, एडवांस फिल्टर, एड रिमूव फिल्टर, ओपन हो गया ना। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिल्टर लग गया। अब सिर्फ एम वाला देखना है तो ऑल हटाकर सिर्फ एम पर टिक करिए, ओके करिए, ये देखिए सिर्फ एम का डेटा ही शो कर रहा है, बाकी सारा उसने हाइड कर दिया। 5 के बाद 6 8 12 शो कर रहा है। किसी भी चीज़ को लगाते हैं तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर वही होता है कि वहीं से ही वो ऑन ऑफ होती है। अभी वापस हम इसको यहाँ से एक बार टिक एंड टिक कर देंगे तो ये सारा डेटा को शो कर देगा। और ये जो एरो आए हैं इनको हटाने के लिए हम यहाँ से वापस फिल्टर में अनटिक कर देते हैं।
ठीक है। तो कोई भी चीज़ कैसे लगाते हैं कैसे हटाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये प्रिंट वगैरह में या फिर और भी वर्क करने में आपको हेल्प होती है। कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो तो उसको अच्छे से डीपली सीखिए कि कैसे वर्क हो रहा है, किस तरीके से फॉर्मूला लग रहा है, कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। कभी कभी जैसे अगर हम वी लुकअप लगा रहे हैं तो हमारा जो आंसर है ऐसे फॉर्मेट में आता है, और जो हमारा इसमें टेबल बना हुआ है ये परसेंटेज में है, तो स्टूडेंट कहते हैं आंसर तो आया नहीं, तो ये जो आपका है ये परसेंटेज पे होना चाहिए तभी आंसर इस टाइप से आता है। वैसे तो ये पिक कर लेता है, कभी कभी होता है कि नहीं करता, तो इसे हमें परसेंटेज में यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी, अगर हेल्पफुल लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।